जय हिंद दोस्तों। कल महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है और रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। मैं आपको रिस्ट्रिक्शंस बता देता हूँ। सभी सिनेमा हॉल, चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्स हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, ये सभी जगह जो है ये 50% कैपेसिटी के साथ ही ऑपरेट हो पाएगी। साथ ही साथ जो भी नॉर्म्स हैं COVID-19 के, चाहे वो मास्क पहनना हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना हो, टेम्परेचर चेक करना हो, जो भी लोग इन जगह पर आएंगे, तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए ऑपरेट करना है ये सब जगह। दूसरी जो गाइडलाइन आई है वो शॉपिंग मॉल्स के लिए आई है। शॉपिंग मॉल्स में बहुत सारी चीजों का ध्यान देने के लिए कहा गया है सरकार द्वारा। एक तो मास्क पहनना जरूरी है शॉपिंग मॉल के अंदर, टेम्परेचर चेक किया जाए ताकि किसी को अगर बुखार है, फीवर है, तो वो मॉल में एंट्री नहीं कर पाए। हैंड सैनिटाइजर रहना चाहिए मॉल्स में ताकि लोग सैनिटाइज कर सके हाथ को। और जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी जो भी मॉल की अथॉरिटी है, वो इस बात का ध्यान रखे कि उनके मॉल्स में इनफ मैन पावर है ताकि मॉल में आ रहे लोगों पर ये ध्यान रखा जा सके कि वो मास्क पहन रहे कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना मॉल की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ अगर मॉल्स के अंदर थिएटर्स है तो, और ऐसी कोई जगह है, तो मॉल अथॉरिटी को ये ध्यान रखना है कि वो गाइडलाइंस सभी पालन कर रही है। यानी समझो थिएटर है तो वहां सभी गाइडलाइन का पालन हो रहा है। एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर जो भी गाइडलाइन मैं बता रहा हूँ या कोई भी अन्य गाइडलाइन है, अगर उसका पालन नहीं होगा तो कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र में सोशल गैदरिंग हो, कल्चरल गैदरिंग हो, पॉलिटिकल गैदरिंग हो, रिलीजियस गैदरिंग हो, ये सब चीजें मना है। यानी ये सब गैदरिंग मना है, और अगर गैदरिंग होती है तो कार्रवाई हो सकती है। शादी का फंक्शन 50 से ज्यादा लोग अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर 50 से ज्यादा लोग अटेंड करते हैं शादी का फंक्शन तो कार्रवाई हो सकती है। अंतिम संस्कार के लिए 20 लोग से ज्यादा मौजूद नहीं रह सकते, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि अंतिम संस्कार में ज्यादा भीड़ ना हो, ज्यादा लोग ना आए। जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है, अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही आ सकते हैं। होम आइसोलेशन के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। होम क्वारंटाइन में जो भी रहेगा उसके हाथ पर स्टैंप रहेगा। साथ ही साथ जो भी होम आइसोलेशन में रहेगा, लोकल अथॉरिटीज जो भी रहती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीरा भाईंदर की बात करूँ तो MBMC को, तो MBMC को उस बात की जानकारी रहना चाहिए कि ये व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, और जो भी डॉक्टर उन्हें कंसल्ट कर रहा है उस पेशेंट को, उसकी भी जानकारी लोकल अथॉरिटी को होनी चाहिए। ये भी एडवाइस किया गया है सरकार की तरफ से कि जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है उसके परिवार वाले बाहर जाने से परहेज करें, और अगर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने और सभी गाइडलाइंस का पालन करें। एक बोर्ड लगा रहेगा उस व्यक्ति के डोर पर या वो लोकेशन पर जहाँ होम आइसोलेशन में है पेशेंट, 14 दिन तक लगा रहेगा। एक और गाइडलाइंस आई है वो ये है कि सभी ऑफिसेस, हेल्थ और अन्य एसेंशियल सर्विसेज के कामों से जुड़ी ऑफिसेस को छोड़कर जो बाकी की ऑफिसेस है वो 50% अटेंडेंस के साथ ही ऑपरेट कर पाएगी। अगर इस गाइडलाइन का भी वायलेशन होता है तो कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही है सरकार ने। साथ ही साथ रिलीजियस प्लेसेस जो रहती है, धार्मिक जगह जो रहती है, वहाँ के मैनेजमेंट जो रहते हैं उनसे सरकार ने कहा है कि आप ये डिसाइड करें कि कितने विजिटर्स आ सकते हैं, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं पर आवर। रिलीजियस प्लेस की स्पेस को ध्यान में रखते हुए, ताकि ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, तो मैनेजमेंट से ये कहा गया है। साथ ही साथ रिलीजियस प्लेसेस में भी मास्क पहनना, टेम्परेचर का चेक करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ों का भी ध्यान देने को कहा है सरकार ने। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कल जारी की गई है। इस बारे में आपको कोई डाउट रहेगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो महाराष्ट्र के संबंध में, गाइडलाइंस के संबंध में ये है कुछ लेटेस्ट अपडेट। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।